शाजापुर में मुहर्रम का पर्व कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही मनाया जाएगा। हमारे संवाददाता इम्तियाज खान ने मुहर्रम कमेटी के सदर इमरान खरखारे से चर्चा करी। शाजापुर मुहर्रम कमेटी सदर इमरान खरखारे ने कहा कि शासन प्रशासन के निर्देश अनुसार ही 10 दिवसीय मुहर्रम का पर्व मनाया जाएगा। उन्होंने मुस्लिम जनों से अपील की है कि अपने अपने इमाम बाड़ों में ही मुहर्रम का पर्व मनाएं। इस मौके पर छोटे चौक में इमाम बाड़ा बड़े साहब के यहाँ पर मुहर्रम कमेटी सदर इमरान खरखारे, वरिष्ठ सरपरस्त शेख समीम, पूर्व सदर सलीम भाई ठेकेदार मुहर्रम कमेटी, खजाची रफीक पेंटर, हाजी हबीब कुरेशी, साथ ही में असलम शाह, अखिल भाई, बाबू भाई और कई पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे। शाजापुर के छोटे चौक में हम यहां मौजूद है। कोरोना महामारी को देखते हुए, पुलिस प्रशासन गाइडलाइन को देखते हुए और सभी पदाधिकारी यहां सब मौजूद है। आइए हम जानते हैं मुहर्रम कमेटी के सदर इमरान खान खरखारे से क्या कोरोना की गाइडलाइन है। शासन प्रशासन के निर्देशन में ही 10 दिवसीय मुहर्रम पर्व मनाया जाएगा। मेरा सभी मुस्लिम समाज के लोगों से गुजारिश है कि वो अपने अपने इमाम बाड़ों में ही मुहर्रम पर्व मनाएं और अपने अपने मोहल्लों में ही छोटे स्तर पर अपने आयोजन रखें। धन्यवाद। जय हिंद। बोला सभी मुस्लिम भाइयों को, सभी को, मैं शहरवासियों को नए साल को मुबारकबाद देता हूं और मैं सभी नौजवान साथियों, मुस्लिम भाइयों और अखाड़े को उत्साह, सभी को आज जोड़ के गुजारिश है कि जिस तरह भर के अपन ने प्रशासन, जिला प्रशासन की गाइडलाइन को देखते हुए मुहर्रम मनाया था, उसी तरह अपन इस साल भी एक अच्छा भाईचारे और सद्भावना शांति का परिचय दें। मेरा आपसे यही निवेदन। जय हिंद। बताए कोविड-19 के देखते हुए मुहर्रम करीब इसी तरह से मनाएंगे जो प्रशासन की गाइडलाइन है। तो आप सभी से, मुस्लिम भाइयों से ये गुजारिश है कि प्रशासन की गाइडलाइन को देखते हुए मुहर्रम मनाएं। शुक्रिया। मौजूद हजरात, जैसा कि मुहर्रम शरीफ का त्यौहार पिछली बार की तरह इस साल भी अपने को पुराना गाइडलाइन को देखते हुए मनाना है। शासन प्रशासन ने जो निर्देश दिए हैं उसी के हिसाब में सभी मोहल्लों में, इमामबाड़े में सभी इमारतें रखी हैं, वहीं पर अपने अपने मोहल्लों में त्यौहार मनाएं और उसी जगह खिचड़ा, हलीम या तबर्रुक, दूध, जो भी जिसको करना है सब अपने अपने स्थान पर, अपने अपने मोहल्लों में ही करें, कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए। धन्यवाद। इमाम अली मुकाम के सोना करवाला ने इसमें 10 दिन का मुहर्रम मनाते, आज से नया साल चांद दिखते ही चालू हो जाता है। सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को नए साल की शुभकामना और हर साल के मुताबिक करके भी अपन जिस तरह गाइडलाइन के हिसाब से मुहर्रम मने, इस बार भी इसी हिसाब से मुहर्रम मनेगी। अपने अपने इमाम बाड़े में मनाओ। आप प्रशासन ने पूरी वो दे रखी छूट, लेकिन ये तो कोरोना को देखते हुए भीड़ भीड़ नहीं लगा और ना शहर में कोई ऐसा वो वातावरण बने। यहाँ का भाईचारा एक ऐसा है कि मिसाल कायम है शाजापुर की। इसी के साथ है तो धन्यवाद। जय हिंद। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए शहर मुहर्रम कमेटी शाजापुर ने शासन प्रशासन के आदेशानुसार ये निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है कि हम कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से इस इमाम अली मुकाम की याद को ताज़ा करने के लिए जो मुहर्रम शरीफ का त्यौहार मनाते हैं वो अपने अपने इमाम बाड़ों में शांति और सद्भावना से मनाएंगे और किसी प्रकार का कोई भी प्रशासन से हम वादा करते हैं किसी भी कोई प्रकार का प्रशासन से अलग नहीं होंगे। जय हिंद। मुहर्रम मनाया जाना है और मेरा मुस्लिम भाई और युवा साथियों से अधिकतर कहना है कि जहाँ भी हैं, जैसे हैं, मतलब अपने मेहमान बाड़ों में और अपने महीपे बनाएं और दूध छबील का ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम करें जिससे अपनों को अपना एक हौसला अफजाई बना रहे। धन्यवाद। फ्राइड्स के लिए शाजापुर से इम्तियाज खान की रिपोर्ट।